भैया वहां है देश कोला मेरी कोला मेरी कोला मेरी डी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। सॉरी। तो भैया धनुष चीजें की एक और नई तड़कती भड़कती मूवी बोल तो कैप्टन मिलर का टीजर आ चुका है, देखा कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं देखा, पूरा देखा। जी हाँ, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए कि कैसे तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा के साथ तमिल वाले भी कट्टेबाजी में किसी से पीछे नहीं है बैठे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जी हाँ, मतलब इसमें इतनी तगड़ी तगड़ी बंदूक है, कट्टे प्लस तमंचे दिखाए गए हैं कि देखकर मेरे को केजे वाली फील आने लगी। एक से बढ़कर एक धमाके हैं, कट्टे चल रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, वही आर्मी वही नकाबी गुंडे और बंदूकें तो भाई साहब। मतलब ये घोड़ा है या ये क्या रे? आई मीन की माहौल एकदम टाइट है, एक तरफ फुल प्लेस्ड आर्मी है तो दूसरी ओर गांव के दिहाड़ी मजदूर, और भाई साहब आप चलाते होंगे कट्टा है, जो धनुष चलाते हैं बोरा। मतलब कि इस बंदूक की चाल देखकर अच्छे अच्छों की चाल बिगड़ जाती है। तो भैया टीजर के काफी सारे सीन्स में आपको केजीएफ की याद आ गई होगी, जैसे इन भाई साहब का यहाँ पर धड़ाधड़ फायरिंग वाला सीन, प्लस ये केजीएफ टाइप की आर्मी का यहाँ पर होना, वही ट्रकों का जाना, वही रुमाल बंदे गुंडों का आना, मतलब ओवरऑल फील वैसी है जैसे कि आपने केजीएफ यूनिवर्स में देख रही है। बाकी अब ये सिर्फ एक टीजर है तो कहानी प्लस कैरेक्टर के बारे में उतना पता नहीं चलता, मगर फिर भी टीजर मूवी की दुनिया से हमें रूबरू तो करा जाता है कि ये एक पीरियड एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें इतिहास के किसी कोने में दफन कहानी को फिक्शनलाइज किया जाएगा। तो मे भी एक ग्रुप है जिसके मुखिया है धनुष, और ये लोग कुछ इल्लीगल काम कर रहे हैं, शायद केजीएफ की तरह ही किसी चीज की माइनिंग या फिर कुछ और, तो उसे उस समय चल रही अंग्रेजी सरकार रोकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बगावत चल रही हो जहां अंग्रेज ट्रकों में भरकर कुछ सामान ले जाते हैं, मगर ये ग्रुप या पूरा गांव उन्हें ऐसा करने से रोकता है, जिसमें शायद बाद में धनुष का साथ शिवा राजकुमार भी देते हैं। तो ये टीजर की शुरुआत एक पोस्टर से होती है जहां पर अपने धनुष चीचा और कैप्टन मिलर की फोटो लगी हुई है, वो भी वांटेड करके, प्लस उनके सिर पर 10,000 का इनाम है। लो बताओ भाई, अरे 10,000 से आजकल होता का है, इतने का तेल तो हम अपनी फटफटियां में फूंक देता हूँ। जी हाँ, खैर उनकी सेटिंग काफी बीते जमाने की है तो वहाँ पर इन रुपयों की काफी ज्यादा वैल्यू है। बाकी नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस फोटो में धनुष के तीन अलग अलग लुक आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये तीनों फोटो धनुष के ही है। अगले दिन में कुछ सिपाही गन लेकर आ रहे हैं, फिर केजीएफ टाइप का गन स्टैंड हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद धनुष गन टांग कर निकलते हैं शायद किसी का सत्यानाश करने। इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आर्मी मसाले लेकर महल के सामने खड़ी हुई है, मे बी उसके प्रोटेक्शन के लिए। फिर कुछ ट्रक्स जा रहे हैं और धनुष उनके पीछे आ रहे हैं, अब या तो अटैक करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, अकॉर्डिंग टू माय थ्योरीज। बाकी गोलियों पे गोलियां, कट्टे पे कट्टे और एक से बढ़कर एक तमंचे धड़ाधड़ चल रहे हैं। और फिर आता है धनुष का ये वाला सीन जहां पर वो गेती लेकर इस बंदे की बोटियां फ्री कर देते हैं। भाई काफी खतरनाक सीन था, मान गए गुरु। मतलब धनुष एकदम ब्रूटल लुक में दिख रहे हैं जहां बंदा अपने एक्सप्रेशन ही सामने वाले की गीली कर सकता है। बाकी टेक्निकली भी शॉट काफी अमेजिंग था, जहां सब कुछ एकदम सुन्न करके सामने वाले को टुन्न कर दिया गया। मतलब धनुष धुएं से निकलकर सामने वाले को धुआं धुआं कर देते हैं। बाकी यहां पर लोग मसाले लेकर ये जो तालाब टाइप बना हुआ है उसके चारों ओर खड़े हुए हैं, और उसके बाद ये सीन आता है जहां पर काफी सारे सोल्जर लाइन से किसी जगह को घेरे हुए हैं। सो आई थिंक यहां पर धनुष और उसके ग्रुप मेंबर्स काम करते होंगे, यही उनका अड्डा होगा, क्योंकि इसके बाद ये नीचे की तरफ भागते हैं जहां पर धनुष खड़ा हुआ है विद पावरफुल बंदूक। भाई आधों की तो इसे देखकर ही फटके चार हो गई होगी। मतलब जैसे धनुष इसे लोड करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये केजीएफ की बड़ी मास है, किसी भी एंगल में कम होगी। बाकी अब ये इसका क्लाइमेक्स सीन हो सकता है मेरे हिसाब से, जहां मिलर सबका किलर बन जाता है और पूरी ब्रिटिश सेना की वाट लगाकर अपने गन्ने के खेतों में निकल जाता है। क्या बात करता है यार? उसे इस सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ भाई ने अपना वांटेड पोस्टर पॉकेट में रखा और भूल गया। बाकी एक लाइन में टीजर को समाप्त करूँ तो एक्शन एक्शन और बस एक्शन था। सो मूवी इसी साल 15 दिसंबर को इंटरनेशनल बाजार में रिलीज होने वाली है, तो तुम अपनी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड गदर 2 के ट्रेलर पर भी आपके भाई ने काफी डिटेल से बात कर रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में होकर जाओ और देखो। चलिए बाय।